अतीक ने अपनी बेचैनी की बात कही थी, इसलिए हम रूटीन चेकअप के लिए लेकर के गए। दूसरे भाई को क्यों लेके गए थे फिर? दोनों को एक साथ बेचैनी नजर आ रही थी, और जब बेचैनी थी तो डॉक्टर को बुलाया जाना चाहिए या हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? और फिर किस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ये कैसे पता लगा? कि अतीक की फैमिली से भी अभी और लोगों की जान को भी खतरा है, और इन लोगों की फैमिली जो ये तीन जिन्होंने ये हत्या में शामिल हैं, इनके और इनके परिवार की जान को भी खतरा होगा, क्योंकि ये सबूत मिटाने के लिए, ताकि उस तक ना पहुंचे जाए, उस तार उस तक ना पहुंचे इन्वेस्टिगेशन में, इन तीनों की भी जान को खतरा है। तो योगी जी को सबसे पहले तो इनको सबसे कड़ी सुरक्षा दिलवानी चाहिए, इन तीन लोगों को। अतीक अहमद, अशरफ अहमद के हत्याकांड को लेकर के एडवोकेट पराचा के साथ पहले भी हमने तमाम चीज़ों को आपके साथ साझा किया कि हत्याकांड को लेकर के किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, और अब हत्याकांड के बाद किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इसी पर एक बार फिर बातचीत करने के लिए एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हत्याकांड के बाद जो कार्रवाई हो रही है, जहाँ आरोपियों को पकड़ा गया, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुलिस जो है इसमें रिमांड की मांग नहीं करती, सीधा जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, आखिरकार इतने लूप पॉइंट एक ही हत्याकांड में एक के बाद एक कैसे होते चले जाएंगे? देखिए, मैं इस केस के का फॉलोअप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस केस में वकील नहीं हूं। आप मुझे बता रहे हैं अगर रिमांड नहीं लिया पुलिस ने, तो यह आप पुलिस के लोगों से पूछो। मैंने अपना जो बयान था पहले, उस बयान के अगर रिमांड भी नहीं ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ये और पुख्ता सबूत हैं योगी जी के खिलाफ। अगर पुलिस अभी भी लचर रवैया अपना रही है और वो इसको एक ऐसा रंग देना चाहते हैं जिससे योगी जी की छवि जो है एक और मजबूत व्यक्ति की बने, जो कि कानून अपने हाथ में लेके लोगों को ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो इससे शायद उनकी एक वर्ग में पॉपुलैरिटी बढ़े, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पॉपुलैरिटी बढ़े। मगर ये भारत के संविधान के खिलाफ है, वो भारत के संविधान के खिलाफ जाके ये काम कर रहे हैं, और भारत का संविधान अगर ठीक से काम करेगा तो इस प्रकार के जो इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, अगर वो ये दिखाते हैं कि संविधान में जो तरीके हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनसे न्याय नहीं मिलता, मैं संविधान से ऊपर जाके, संविधान से हटके, अपने प्राइवेट तरीके, अपने जाती तरीके, बंदूक चलवा के, एनकाउंटर करवा के, उससे मैं देश और प्रदेश चलाऊंगा, उससे न्याय व्यवस्था में स्थापित करूंगा, तो न्याय व्यवस्था इससे स्थापित नहीं होगी, इससे गन कल्चर बढ़ेगा, इससे प्राइवेट आर्मीज खड़ी होंगी कल, जो एक दूसरे से बदला लेने के लिए पुलिस को खरीदेंगी, जैसा हो रहा है। कोई भी गैंगस्टर बगैर पुलिस की सांठगांठ के ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इस बात के लिए योगी जी के पास कोई जवाब नहीं होगा कि कितने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, खुले आम लोगों को लूट मार मचा रहे हैं, जगहों पे कब्जे कर रहे हैं, तालाबों पे कब्जे कर रहे हैं, लैंड माफिया, वो क्या पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बगैर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये है सही तरीका। अगर वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो पहले पुलिस और प्रशासनिक फोर्सेस को सही करें कि वो कानून के हिसाब से करना शुरू करें काम। अगर एक SHO के एरिया में क्राइम हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि SHO साहब का फेलियर है। इतनी हमारे जो संविधान है और संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो पूरी तरीके से ताकतवर हैं, लेकिन उन पे अमल इसलिए नहीं होता क्योंकि भ्रष्टाचारी अफसर बन जाते हैं, और भ्रष्टाचारी अफसरों को नियुक्त कौन करता है? जो भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। और इसमें तो योगी जी के जो प्रशासन है और भारतीय जनता पार्टी और RSS का और बहुत सी दूसरी पार्टियों का भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो अपने जाति पर्सनल एजेंडा को, पार्टी के राजनीतिक एजेंडाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस ऑफिसर्स से गलत काम कराते हैं, झूठी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, झूठी अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उसके ऊपर हमला कराते हैं, गोलियां चलवाते हैं। तो ये जब गैरकानूनी काम राजनीतिक लीडरशिप कराती है, तो पुलिस वाले भी
बोल्ड होते हैं कि भाई हमने पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने से ये कानून तोड़ के ये काम किए और पॉलिटिकल लीडरशिप की मदद की अपना राजनीतिक एजेंडा मजबूत करने के लिए, अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए, तो हमें भी इतनी छूट है ना कि हम अपने एरियाज में क्राइम कराएं और क्रिमिनल से पैसे वसूलें। ये सारा का सारा निज़ाम इसीलिए ख़राब हो रहा है कि पॉलिटिकल पर्पस से पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करा जाता है। उसकी वजह से पुलिस और प्रशासन जो है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो विल ऑफ़ द पीपल होती है, उससे डरता नहीं, बल्कि उसका उसके साथ जो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तो वो ये उम्मीद करते हैं उनसे, और सही उम्मीद करते भी हैं कि वो भी पुलिस के और प्रशासन के गलत कामों को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उनके गलत काम कर रहा है। क्योंकि सर लीगल प्रोस्पेक्टस पर ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस का ये रवैया सामने आया हत्याकांड के बाद, दूसरी तस्वीर ये भी सामने आई जिस हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था, हॉस्पिटल वालों को पहले से इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी, पर अपराधियों को पता था कि अतीक अशरफ वहां पहुंचने वाले हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जो लूप पॉइंट एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है, जो पुलिस के खिलाफ में और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है? क्या डॉक्टरों ने, जो उस थाना जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें पता नहीं था ये लोग आ रहे हैं? उन लोगों ने बाकायदा ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया ये। क्या उन्होंने, देखिए जो मुझे कानून की समझ है, जो हम अपने केसेस में देखते रहे, पूरे देश में मैं केसेस कर रहा हूँ, करता हूँ, तो अगर कोई हाई एंड के क्रिमिनल्स होते हैं या कोई बहुत ज़्यादा जिसकी सुरक्षा में ज़्यादा ध्यान देना होता है, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है जिसको मेडिकल चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता, तो हॉस्पिटलों को, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पुलिस स्टेशन या कारावास में बुला लिया जाता है। तो इस केस में ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा कि किस वजह से उनका, क्या उनको बीमारी थी कोई, मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत पड़ रही थी रात के समय, वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सभी चीज़ें जो है ना, योगी जी की तरफ इशारा कर रही हैं कि उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम करवाया है। ऐसा शक दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है कि ये सब उन्हीं के इशारे पे हुए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अपने लेवल पर नहीं कर सकता, अपने लेवल पे नहीं कर सकता जब तक कि हाईएस्ट लेवल से क्लियरेंस ना हो। एक चीज़ और है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ सकती है कि योगी जी का कोई पॉलिटिकल नुकसान करने के लिए इंटरनल कोई बीजेपी का व्यक्ति तो बहुत बड़ा नहीं है, जो उनकी दुश्मनियाँ भी हैं ना, बीजेपी के अंदर भी तो उनके इतने बड़े बड़े दुश्मन मौजूद हैं कि वो इतनी बड़ी घटना कुछ पुलिस अधिकारियों से डायरेक्ट किसी बड़े आदमी ने कह दिया हो कि तुम ये काम करा दो, इससे योगी जी तो हट जाएंगे और कोई और बन जाएगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये भी एक एंगल है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्या ये योगी जी के खिलाफ पॉलिटिकल साजिश तो नहीं थी इसके बारे में? लेकिन ये सब विषय इन्वेस्टिगेशन के हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हो रही है तो शक का दायरा योगी जी के खिलाफ तंग होता जा रहा है और शक की सारी सुइयाँ योगी जी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। नहीं तो योगी जी को इन सब इन्वेस्टिगेशन को खुद मॉनिटर करके चीफ मिनिस्टर साहब को ये सब चीज़ें ठीक से इन्वेस्टिगेट करानी चाहिए कि किन हालात में इनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी, किन हालात में पुलिस इतने सारे सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद भी सुरक्षाकर्मियों का घेरा तोड़ के इतने आसानी से क्रिमिनल्स कैसे आ गए? वो तो शक्ल से देखने में भी जर्नलिस्ट नहीं लग रहे थे ना जी। अब उनकी एक्सप्लेनेशन ये आ रही है कि नशेड़ी थे। अब जो जर्नलिस्ट होगा वो तो शक्ल से नशेड़ी थोड़ी लगेगा, तो वैसे ही पकड़ लेती पुलिस उन्हें कि तुम तो शक्ल से ही नशेड़ी लग रहे हो, तुम जर्नलिस्ट हो ही नहीं सकते। और जर्नलिस्ट थे तो उनके हाथ में कोई कैमरा होना चाहिए था, कोई कलम होनी चाहिए थी, पिस्तौलें थोड़ी होनी चाहिए थी। जब पिस्तौल निकाली, पहली गोली चली, तो क्या रिएक्शन था पुलिस का? यही है इनकी, जो जिसको ये बहुत क्लेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार पुलिस ऑफिसर्स तो सब साइडलाइन हैं योगी जी के नेतृत्व में। जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वही तो आगे हैं। अगर ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो यूपी पुलिस के हैं उनके हाथ में ये सुरक्षा दी जाती तो कुछ भी नहीं होता। भले ही उनको डायरेक्शन होती कि नहीं, तुम्हें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है कि हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर भी सुरक्षाकर्मी अगर ईमानदार होते, अगर वो कोई भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा नहीं होते,
तो वो ऐसा घटना कभी नहीं होने देते ना। क्योंकि सर इसका एक तीसरा पहलू भी सामने आया, जहां अशरफ हत्याकांड से पहले ही 10 दिन पहले ये ऐलान कर चुका था मीडिया कर्मियों को बताते हुए कि हमें एक पुलिस वाले की तरफ से धमकी दी गई है कि आपको किसी बहाने से जेल से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं ये तमाम जाँच के पहलू थे, वो डंके की चोट पर ये बातें कह रहे थे, पर सब चीज़ें नज़रअंदाज कर दी गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सुप्रीम कोर्ट में है ना। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने, और योगी जी को चेक करना चाहिए कि किस एडवोकेट ने, अगर ये योगी जी के खिलाफ साजिश है, ये भी हो सकता है ना। देखिए राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तो हो नहीं रही है, ये प्रशासन तो चलाया नहीं जा रहा है, इसमें तो प्योर राजनीति है। ये जो तीनों मृत्युकांड हुए ना, इसमें कोई गैंग राइवलरी भी नहीं है, ये अब बात निकल के साफ आ रही है। इसमें पॉलिटिकल राइवलरी है बड़े लेवल पे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अंदर की। अतीक भी उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे थे और ये भी उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे थे, ऐसी पिक्चर निकल के आ रही है सामने। तो इस पर इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे योगी जी, तो ये चीज़ थमने वाली नहीं है। अच्छे लॉयर्स भी आ सकते हैं ना, ये सोचें कोई भी अच्छा लॉयर इसमें आ गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी अपराधी, चाहे वो कितने भी 7 तालों में छुप के बैठा हो, कितने भी 7 मतलब कहीं छुप के बैठा हो, बचेगा नहीं इस केस में। इतने सबूत तो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं इसके। क्योंकि चौथे सवाल जो यहाँ खड़ा होता है पराचा साहब के, ये चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी जो हैं वो पुलिस की गाड़ी में बैठ करके आए और पुलिस की तरफ से 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है हत्याकांड के बाद कि आरोपी बाइक से आए थे, उनके पास मीडिया कार्ड था, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाए। और जब अगले दिन की रिपोर्ट सामने आती है, जिस पन्ने पर, जिस पेपर में अतीक हत्याकांड का जिक्र होता है, उसको जेल के अंदर जो कैदी पढ़ने वाले होते हैं उन तक वो पन्ने पहुंचने नहीं दिए जाते। आखिर लूप पॉइंट एक के बाद एक क्यों जुड़ रहे हैं? क्या आखिर ये भी बताया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि अतीक ने अपनी बेचैनी की बात कही थी, इसलिए हम रूटीन चेकअप के लिए लेकर के गए? दूसरे भाई को क्यों लेके गए थे फिर? दोनों को एक साथ बेचैनी नजर आ रही थी, और जो बेचैनी थी तो डॉक्टर को बुलाया जाना चाहिए या हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? और फिर किस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ये कैसे पता लगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, किसने बताया किस हॉस्पिटल में? ये हत्या करने वालों को बताया किसने कहाँ जा रहा है? वो मीडिया कर्मियों को बताया किसने कि कहाँ जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं? ये किसने लीक की बात? योगी जी जरा ध्यान दें इस पे। मैं तो देखिए एक निष्पक्ष वकील हूँ, मेरा योगी जी से इस मसले पे सिर्फ इतना विरोध है कि उनके राज्य में इस प्रकार की घटना हुई है, वो चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने ये कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इसीलिए उसके बाद मिट्टी में मिल गए वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी अगर योगी जी बेगुनाह हैं तो उनकी बेगुनाही भी साबित हो, मैं उसमें भी मदद करूँगा। लेकिन अगर वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ठीक से नहीं करवाएंगे, तो इसका मतलब उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग तो अभी भी ओपन माइंडेड हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराइए ठीक से। मैं ही आपको पॉइंट दे रहा हूँ ना, किसने बताया प्रेस कर्मियों को, किसने बताया, कैसे पता लगा इन अपराधियों को कि ये इस हॉस्पिटल में इतने बजे जाएंगे? ऐसा भी नहीं है ना कि घात लगा के बैठे हुए थे और उनको पता था कि इसी हॉस्पिटल में आते हैं कभी कभी। वो कैसे पता लगा कि उनको बेचैनी हो रही है? कैसे पता लगा इनको, अपराधियों को और प्रेस वालों को, कि बेचैनी हो रही है और हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कि कब बेचैनी होगी और कब हॉस्पिटल लेके जाएंगे? ये सब किसी ना किसी पुलिस के अधिकारी ने, जो उसकी सुरक्षा में था, उसी ने बताया ना। इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा सोचने वाला, इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस अधिकारी का दिमाग नहीं चाहिए ना, ये तो कोई 7 साल का बच्चा भी बता देगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप मुझे बता रहे हैं कि इनको जेल भेज दिया गया तुरंत। अब मुझे सबसे बड़ा खतरा है कि इन तीनों की भी हत्या होगी, मुझे इनकी सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि ये वो राज जानते हैं जो मैं आपको ये सारे सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपके माध्यम से ये सवाल जनता के पटल पर रख रहा हूँ। ये तो बता सकते हैं ना तीनों कि किसने इन्हें बताया, किसने सुपारी दी, किसने हथियार दिए, किसने बताया कि अतीक वहां पे और उसका भाई वहां पे आने वाला है। ये तमाम पहलुओं के सवाल जो हैं तमाम जनता जानना चाहती है, जिसे बार बार छुपाने की कोशिशें जो हैं की जा रही हैं। और मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि अतीक की फैमिली से भी अभी और लोगों की जान को भी खतरा है, और इन लोगों की फैमिली जो ये तीन जिन्होंने ये हत्या में शामिल है, इनके और इनके परिवार की जान को भी खतरा होगा, क्योंकि ये सबूत मिटाने के लिए, ताकि उस तक ना पहुंचे जाए, उस तक ना पहुंचे इन्वेस्टिगेशन में, इन तीनों की भी जान को खतरा है। तो योगी जी को सबसे पहले तो इनको
सबसे कड़ी सुरक्षा दिलवानी चाहिए इन तीन लोगों को, और जनरल जेल में रखा है तो जेलों में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने गैंगस्टर्स की जेलों में हत्याएं हुई हैं, जेल सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की, इन लोगों को मरवाया जाएगा, मुझे ऐसी बड़ी आशंका है, उसको दूर करें, इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से कराएं।